सरकार में टीडीपी और जेडीयू की बड़ी भागीदारी होगी, जिसकी चर्चा अभी रमेश सिंह कर रहे थे। टीडीपी की भागीदारी होगी, 5 मंत्रालय और लोकसभा स्पीकर की मांग टीडीपी कर सकता है। ग्रामीण विकास, आवास और शहरी मामले पर टीडीपी की नज़र है। परिवहन, शिपिंग और जल शक्ति मंत्रालय की भी मांग टीडीपी कर सकती है। उधर नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसद चुनकर आए हैं और नीतीश कुमार के रेल मंत्रालय पर नजर है। जेडीयू के कोटे में रेल मंत्रालय पर नजर है। जो मंत्रिमंडल का फॉर्मेशन होगा उसमें बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की मांग भी की जा सकती है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जेडीएस ने कृषि और स्वास्थ्य मंत्रालय की मांग की है। हम आपको ये बता दें कि चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी के भी मंत्री पद की मांग है। जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक चिराग ने 2 विभागों की मांग की है, 2 मंत्रियों की। अनुप्रिया ने 1 और जीतन राम मांझी ने 1 मंत्रालय की मांग की है। जीतन राम मांझी खुद अपनी पार्टी से अकेले चुनाव लड़े थे गया से, वहां से जीत कर आए हैं और मंत्री पद की मांग उधर से भी आ रही है। तो अब जो गठबंधन है, गठबंधन के दल जो हैं उनकी तरफ से मांग की जा रही है और टीडीपी की तरफ से 5 मंत्रालयों की मांग की जा रही है। जो सूत्रों के जरिए जानकारी मिल रही है, जो चर्चाएं चल रही हैं हम आपको बता रहे हैं, और उसमें एक लोकसभा स्पीकर की भी मांग की गई है। हम आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जब सरकार थी गठबंधन की, उसमें टीडीपी भी थी और टीडीपी ने उस समय स्पीकर की मांग की थी और लोकसभा स्पीकर जीएमसी बाल योगी बने थे, जो कि एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद फिर मनोहर जोशी वहां पर बने थे स्पीकर। तो इस बार भी जब सत्ता में, केंद्र की सरकार में शामिल होने की स्थिति में है टीडीपी, जिसके 16 सांसद जीत कर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के बाद एनडीए में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है सांसदों के लिहाज से जो चुनकर आए हैं उसमें, तो टीडीपी की तरफ से माना यह जा रहा है कि 5 मंत्रियों के साथ साथ लोकसभा स्पीकर की भी मांग की जा रही है। अब देखना है कि लोकसभा स्पीकर की मांग को लेकर जो चर्चा चल रही है, भारतीय जनता पार्टी स्पीकर टीडीपी को देने के पक्ष में है या नहीं, और स्पीकर हालांकि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने पास ही रखना चाहेगी, अपने ही सांसद को स्पीकर के पद पर बिठाने की उसकी चाहत होगी, लेकिन बात कहां बनती है, कहां पर आकर बात बन पाती है इस पर सबकी नज़र है। उधर नीतीश कुमार की पार्टी भी है जो कि भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी के बाद एनडीए की तीसरी बड़ी पार्टी है। 12 सांसद चुनकर आए हैं बिहार से जनता दल यूनाइटेड के और उनकी तरफ से भी मांग की जा रही है। जो सूत्रों के जरिए जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रेल मंत्रालय जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मांगा गया है।